हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी डिशेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बस फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है भरवा शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भर करके तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, खाई तो हमने कई तरीके से हैं, लेकिन आज हम इस तरीके से भी ट्राई कर लेते हैं। तो बस चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पाँच बड़े आलू ले लिए हैं, तीन हरी मिर्च ली हैं, 6 से 7 कलियाँ लहसुन की छोटी छोटी कट की हैं, एक बड़ा प्याज लिया है, 3 बड़ी शिमला मिर्च ले ली है मैंने यहाँ पे, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ली है, 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर लिया और नमक टेस्ट के अनुसार। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया और पैन में मैंने थोड़ा सा सरसों का ऑयल यूज़ किया, आप इसकी जगह कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो बस ऑयल हमारा गर्म है तो मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड कर दिया है। जीरे को हम अच्छी से थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जीरा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है, इसके बाद जो हरी मिर्च हमने कट करके रखी थी उसको भी डाल दिया। अब हम 1 मिनट तक लहसुन और मिर्च को फ्राई करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने इसमें प्याज भी डाल दिया, प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट ही हमें प्याज को फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, हमारे 2 मिनट पूरे हो चुके हैं और प्याज हमारी जो है वो फ्राई होगी, हमें इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और नमक टेस्ट के अनुसार मैंने इसमें डाल लिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने यहाँ पे जो आलू लिए थे उनको मैंने मैश कर लिया इस तरीके से, तो अब हम इसको इसमें भी इसको डाल देंगे। इसके बाद आलूओं को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो हमने मसाला बनाया है उस मसाले में। फ्रेंड्स, आलूओं को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम गैस का जो फ्लेम है उसको बंद कर देते हैं और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम शिमला मिर्च को काटने का तरीका देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इसको ऊपर से काटना है, ये जो ऊपर का हमें इसको थोड़ा सा राउंड शेप में इसको कट करना है, इस तरीके से थोड़ा संभाल के कट करना है, अदरवाइज जो शिमला मिर्च है वो पूरी कट हो जाती है बहुत जल्दी, तो हमें इसको संभाल के थोड़ा स्लो कट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने शिमला मिर्च को कट कर लिया है और इसके अंदर जो भी भरा हुआ है इसको हम खाली कर लेंगे, निकाल लेंगे इसको, ये देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने शिमला मिर्च को अंदर तक खाली कर लिया है और अब हम इसको थोड़ा सा पीछे से काट लेंगे ताकि जब हम इसको कढ़ाई में रखें तो ये आराम से जो इसका सेटलमेंट है वो बन जाए, आराम से खड़ी हो जाए, हमें इसको सेकने में या इसको पकाने में कोई दिक्कत ना आए। तो बस इसी तरीके से हम अपनी सारी शिमला मिर्च कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब जो स्टफिंग हमने रेडी की थी इसको हम शिमला मिर्च में भर लेंगे अच्छे से। देखिए, आप देख सकते हैं मैं जिस तरीके से भर रही हूँ। इसी तरीके से फ्रेंड्स, सारी शिमला मिर्च में हम स्टफिंग भर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा सरसों का ऑयल लिया है और ऑयल में मैंने इस तरीके से शिमला मिर्चों को खड़ा करके रखा है। देखिए, इस तरीके से हमने इसको खड़ा करके रख दिया और अब हम इसको 1 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर नीचे से जिसका तला है उससे सेकने देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी 1 मिनट पूरी हो चुकी है और अब हम शिमला मिर्च को जो है वो चेक कर लेते हैं। तो शिमला मिर्च हमारी नीचे से सिक चुकी है, तो अब हम इसको दूसरी साइड से सेकेंगे, इस तरीके से पकड़ करके हम इसको लेटा देंगे और अब हम इसको फिर से 1 मिनट के लिए ढक करके पकाएंगे ताकि इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा 1 मिनट पूरा हो चुका है और अब हम शिमला मिर्च को जो है वो दूसरी साइड से सेक लेते हैं, दूसरी साइड से मतलब हम इसको पलट देते हैं
और अब हम इसको बस एक मिनट के लिए फिर से ढक कर के पकाएंगे ताकि ये जो ऊपर की स्किन है शिमला मिर्च की वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, मतलब पक जाए तब तक। तो फ्रेंड्स हमारा एक मिनट पूरा हो चुका है और अब हम इसको दूसरी साइड से सेक लेते हैं और अब हम इसको खोल करके ही पकाएंगे हर साइड से। हमें हर साइड से शिमला मिर्च को अच्छे से पका लेना, अच्छे से सेक लेना है खोल करके लो फ्लेम पर। तो फ्रेंड्स देखिए शिमला मिर्च को मैंने हर साइड से बहुत ही बढ़िया तरीके से पका लिया है, आप देख सकते हैं। और मैंने इसको 10 से 11 मिनट तक पकाया है और शिमला मिर्च हमारी एकदम बढ़िया तरीके से पक चुकी है। तो बस अब हम गैस का जो फ्लेम है उसको बंद कर देते हैं और इसे किसी प्लेट या बाउल में सर्विंग के लिए निकाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स शिमला मिर्च हमारी एकदम रेडी है, मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया और बहुत ही बढ़िया देखने में लग रही है। आप इसको रोटी या पराठे या पूरी किसी के भी साथ ले सकते हैं, ये खाने में बहुत ही बढ़िया होती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो बस फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ अगली बार एक नई डिश के साथ। तो बाय बाय फ्रेंड्स।